नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। तो चलिए आज इस वीडियो में पढ़ते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, ए बॉक्स कंटेंस 90 डिस्क, एक बॉक्स में 90 डिस्क है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, जिसके ऊपर 1 से 90 तक लिखा हुआ है, पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, ऐसे करते हुए सारे डिस्क पे नंबर लिखे हुए हैं 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन, उसमें से अगर एक डिस्क निकाला जाता है एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स बियर ए टू डिजिट नंबर्स, उस पे 2 डिजिट के नंबर्स होंगे। तो सब ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, ए परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और तीसरा, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, और जो निकलेगा डिस्क उसका जो नंबर है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। ये 3 प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। तो क्या है, पहला क्या हमारे पास है, ए 2 डिजिट नंबर, तो लिखते हैं 2 डिजिट टोटल, पहला लिया टोटल 2 डिजिट नंबर numbers disks D-I-S-C-S disks equal to हो जाएगा 90 minus 9 equal to 81। ये 90 minus 9 क्यों, क्योंकि 90 टोटल डिस्क हमारे पास 90 है, और उस पे जो 1 डिजिटल नंबर कितनों पे है, तो 1 से लेकर 9 तक ही 1 डिजिटल होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9, तो टोटल हो रहा है 9। तो ये हमने 9 माइनस कर दिया किसमें से, 90 में से, तो हमारे पास बच रहे 81 डिस्क जो 2 डिजिटल नंबर वाले डिस्क हैं। तो टोटल डिस्क हमारे पास इक्वल टू हमारे पास है 90। तो यहाँ पे PE निकालेंगे, PE इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारा ये 81/90। अब इसको काट दीजिए, 9 9 जाए 81 और 9 10 जाए 90, तो ये हो जाएगा 9/10। इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है वो 9/10 आ रही है। तो ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये 9/10 कैसे आ गया, है ना। तो अब चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहां पे ये टोटल देख लेते हैं कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 हो जाएगा 1, क्योंकि 1 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 2 का हो जाएगा 2 2 जाए 4, 3 का 3 3 जाए 9, 4 का 4 4 जाए 16, 5 का 5 5 जाए 25, और 6 का 6 6 जाए 36, 7 7 7 जाए 49, और 8 का 64, और 9 का 81, और 9 और 10 का 100 हो जाता है, मतलब कि 100 अभी से ज्यादा नहीं। तो ये टोटल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो टोटल होगा ये टोटल नंबर ऑफ डिस्क विथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये नंबर ऐसे इक्वल टू कितने हो जाएंगे, हमने कैलकुलेट किया था अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हो गया 9। तो अब इसका निकालते हैं पी, तो पी इक्वल टू हो जाएगा ये 9/90, तो ये 9 1 जाए 9 और 9 10 जाए 90, तो ये हो गया 1/10 और ये हो गया आंसर। पहला आंसर ये रखा था, दूसरा आंसर ये आ गया है ना कि ये 1/10 होगा इसका। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, तो सबसे पहले नंबर डिविजिबल बाय 5 निकाल लेते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन कौन सा आएगा इसमें चेक करते हैं। सबसे पहला नंबर आएगा इसमें 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
और ये लास्ट 90, तो ये सारे नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो टोटल हो रहा है 18। तो लिखेंगे नंबर ऑफ डिस्क्स विथ नंबर डिविजिबल बाय 5 आर, तो हो रहा है टोटल 18। अभी हमने काउंट किया था 18, तो नंबर ऑफ डिस्क विथ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो ऐसे डिस्क जिसके ऊपर जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा वो उसके है क्वांटिटी 8। तो अब इसका पीई निकाल लेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये 18/90। तो ये काटा, 9 से काट लेते हैं, 9 2 जा 18 और 9 10 जा, तो ये हो गया 2 1 जा 2 और 2 5 जा, तो ये हो रहा है 1/5, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ही आसानी हुई होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।